एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो स्पेस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि अगले साल गगनयान लॉन्च किया जाना है, इसके लिए तैयारियां जोर शोरों पर हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो कि स्टैटिक टेस्ट होने वाला था, इसके सॉलिड रॉकेट बूस्टर का, उसको कंप्लीट कर लिया गया है और कल ही इसको कंप्लीट किया गया है। एक्चुअल में जीएसएलवी मार्क 3 में S-200 एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगता है जो कि फर्स्ट फेज का होता है। इसका ही ह्यूमन रेटेड वर्जन जिसको कि HS-200 कहा गया है, उसका स्टैटिक ट्रायल किया गया। स्टैटिक ट्रायल में ये होता है कि एक फिक्सचर पे इसको लगाकर इसको इग्नाइट करके देखा जाता है और निश्चित अवधि के लिए जितने के लिए इसको इग्नाइट होना है या जितने समय के लिए इसको काम करना है, वो सारी चीजें इसमें मैकेनिज्म चेक किया जाता है। ये एक माइलस्टोन है, मेजर माइलस्टोन है हमारे गगनयान प्रोजेक्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं, हमारे एयरफोर्स के चीफ का एक नया इंटरव्यू निकल कर आया है जो कि भारत शक्ति को उन्होंने दिया है। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की गई है, उसमें बात किया गया है AMCA और AMCA के सब्स्टिट्यूट पर। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स कभी भी इस चीज के लिए खुलकर सामने नहीं आई थी और मीडिया में चीजें नहीं बताई गई थी। हमारे इस बार के एयरफोर्स चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि जब तक AMCA नहीं बनता है तब तक हम तेजस MK2 के माध्यम से इस गैप को भरेंगे। तेजस MK2 को बनने का जो कयास था वो उस पर पूर्ण विराम लग गया था और कहा जा रहा था कि तेजस MK-1A जिसका कि 83 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसके बाद कोई भी तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट पे काम नहीं होगा, MK-2 पर काम नहीं होगा और डायरेक्ट AMCA एयरफोर्स खरीदेगी। इसके अलावा जो मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है उनको खरीदा जाएगा या मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है उनको खरीदा जाएगा, जिसमें से राफेल भी एक दावेदार है। हमें ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स में लगभग 200 की क्वांटिटी में AMCA की आवश्यकता है और अब जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने यह कह दिया है कि तेजस MK-2 भी हम खरीद सकते हैं गैप को भरने के लिए, तो 100 की संख्या में कहा जा रहा है कि लगभग इसको खरीदा जा सकता है, यानी कि आधी संख्या में इसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगभग 7 स्क्वाडन हम AMCA का देख सकते हैं और लगभग 5 स्क्वाडन हम लोग ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके देख सकते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि आने वाले तुरंत ही 2-3 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोग्राम बना हुआ है ये 15-20 सालों के लिए बना हुआ है। जहां अगले साल हम लोग तेजस MK-1A के प्रोडक्शन को स्टार्ट होते हुए देखेंगे, वहीं तेजस MK-2 के रोल आउट होने की संभावना है और इसके अगले साल इसके प्रोडक्शन में जाने की या इसके प्रोटोटाइप को उड़ने की संभावना मानी जा रही है। मुगलों से कड़ी टक्कर जिसने ली वो मराठा एम्पायर था। मराठा एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं होगी पर इस ऑडियो बुक को सुनकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं Kuku FM पे। Kuku FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है जिसके पास 1000 घंटों से भी ज्यादा बड़ी ऑडियो बुक लाइब्रेरी है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और इनके पास एक नॉन फिक्शनल कैटेगरी में ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फेवरेट टॉपिक पर अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। यह एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं जो कि आपको 399 में उपलब्ध हो जाएंगी। अगर मेरा यह कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह 199 में प्राप्त हो जाएंगी, पर शुरुआती 250 कस्टमर्स के लिए ही वैलिड होगा ये। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और ऑडियो बुक और बुक समरी सुनना स्टार्ट करें। बात तेजस की चली है तो मलेशियन एयरफोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, जिसको कि एयरक्राफ्ट चाहिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। इसमें तेजस को फ्रंट रनर माना जा रहा था पर वहीं साउथ कोरिया में कई वेबसाइट्स पे ये क्लेम निकलकर सामने आया है कि मलेशिया ने उनके एयरक्राफ्ट को चुन लिया है। 1 trillion won का उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है जिसमें कि आधा उनको पाम ऑयल के माध्यम से पेमेंट होगा और आधा करेंसी में पेमेंट होगा, ऐसा वेबसाइट का कहना है। वहीं सोशल मीडिया पे कुछ ब्लॉग्स ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है और वो अपना आर्टिकल इसको डिलीट कर रहे हैं या डिलीट कर चुके हैं। कुछ एरर्नेस की वजह से ये लोग डिलीट कर रहे हैं पर वहीं इस पोस्ट के द्वारा ये भी माना जा रहा है कि मलेशिया ने अपना मन बना लिया है कि एयरक्राफ्ट को खरीदना, पर ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं की गई है और जल्दी कर ली जाएगी। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने यह सुना था कि भारत की तरफ से फिर से प्रपोजल दिया गया था कि ज्यादा पाम ऑयल हम उनसे खरीद सकते हैं अगर वो हमारे तेजस को चुन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की उस RFI की जिसमें कि प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल हमें खरीदना है। 1200 की संख्या में कहा जा रहा है कि खरीदने के लिए RFI जारी की गई है। इसमें 700 क्वांटिटी उन व्हीकल्स की होने वाली है जो कि 4000 मीटर से नीचे के एल्टीट्यूड में डिप्लॉय करने के लिए ली जाएंगी, जबकि 500 ऐसी व्हीकल्स होंगी जो कि 4000 मीटर के एल्टीट्यूड से ऊपर डिप्लॉय करने के लिए होंगी। जो 4000 मीटर से नीचे के लिए होंगी उनका जो पावर टू वेट रेशियो होगा वो 20 HP/ton होगा और पे लोड लगभग 2 टन ले जाने योग्य होनी चाहिए। और जो हाई एल्टीट्यूड के लिए खरीदी जाएंगी उनका जो पावर टू वेट रेशियो वो 27 HP/ton होना चाहिए और इसका भी पे लोड लगभग 2 टन ले जाने लायक होना चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारतीय आर्मी की, जिसके द्वारा
चीन के हथियारों पर नजर रखने के लिए अपने स्वाति रडार को खरीदने की बात की गई है। 12 की संख्या में वेपन लोकेटिंग रडार जो कि स्वाति रडार डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है उसको खरीदने की बात अब आगे प्रोजेक्ट की जा रही है चीन पर नजर रखने के लिए। आपको पता है कि इस रडार के माध्यम से लगभग 50 किलोमीटर दूर हथियारों के जखीरे को या कहां से फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी की फायरिंग कहां से की जा रही है, सारी चीजों की जानकारी ये रडार हमारी फोर्सेस को दे सकता है। ये वही रडार है जो कि आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया गया है। तो चीन के हथियारों पर नजर रखने के लिए हम स्वाति रडार को और ज्यादा इंडक्ट कर रहे हैं। 12 क्या 50 की संख्या में इन रडारों को आगे फ्रंटलाइन पर लगाना चाहिए। आपको पता है कि बहुत दिन पहले या हम कहें तो 2-3 साल 4 साल पहले एक फोटो निकलकर सामने आई थी जिसमें कि मॉरिशस में एक एयर स्ट्रिप को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि भारतीय आर्मी या भारतीय मिलिट्री का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे हो रहा है। अब कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें कि इस एयर स्ट्रिप के बगल में अब हैंगर भी दिखाई देने लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है रिपोर्टों में और जानकारों का ये कहना है कि हैंगर इतने बड़े हैं कि P-8I को भी शेल्टर दे सकते हैं। अब P-8I यहाँ पर क्यों डिप्लॉय होगा, क्योंकि इंडियन ओशन में नजर रखने के लिए हमें P-8I एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसको मॉरिशस में डिप्लॉय कहा जा रहा है कि किया जा सकता है इन हैंगरों को देखकर। किस लिए किया जा रहा है, चीन पर नजर रखने के लिए। चीन पर क्यों नजर रखनी है, चीन क्योंकि इंडियन ओशन में अपना दबदबा क्रिएट करना चाह रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।